दोस्तों विंग चुन के बारे में समझेंगे, विंग चुन बेसिक टेक्निक के बारे में किस तरह से होता है वो थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे पोजीशन जो है विंग चुन पोजीशन, जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग फाइट के लिए पहले पोजीशन लेते हैं, कभी कभी जरूरी है कभी जरूरी नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिस करते समय हमेशा फाइट प्रैक्टिस में आप स्टांसेस में करो। जैसे पोजीशन लाइक वन पाक्सो फेस अगेन वन अगेन समझ में आया, स्टार्ट गो वन वन टू थ्री। सिर्फ फॉरवर्ड नहीं करना है, वन टू थ्री ये छोड़ दो यहां से पुश। ओके पुश किस तरह से करना है, वन मतलब सामने वाले को डिफेंस किया यहां पे वन टू, इसके साथ में पंच आता है, जैसे अपर से पंच नहीं मारना है कभी भी, इसको नीचे से पंच मारना है, क्योंकि हमेशा ब्लॉक में बताया गया है कि आपका हाथ इस तरह से विंग चुन पोजीशन में इस तरह से होता है। जैसे इस साइड लिया या इस साइड लिया, इस साइड लिया, किसी भी साइड लिया, हैंड इस तरह से होता है। तो ये अटैक नीचे से ग्रिप, ओके अटैक राइट पुश। दो ये बातें याद रखना, ब्लॉक और पंच दोनों कॉम्बो करना है साथ में। पोजीशन गो, पुश भी साथ में दे सकते हैं स्ट्रेट, दोनों भी साथ में कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट नेक्स्ट गनशो मतलब डिफेंस, जैसे वन टू वन टू, चलिए वन टू, जैसे डबल पंच अटैक हुआ या सिंगल हुआ अटैक वन टू लाइक पोजिशन स्ट्रेट वन टू लाइक दिस अगेन वन टू ओके। और बॉडी अगर टर्न नहीं करनी है तो ये इसी तरह से इधर से कर सकते, जैसे पोजीशन वन टू सेम में क्या होता है, जैसे अटैक जैसे वन वन टू लाइक ये क्या डिफेंस अगेन अगेन साथ में गुड अगेन ये क्या था ये वन ये क्या था रोकना, मतलब सामने वाला आगे आना चाहता है कम लाइक वन स्टॉप ओके गुड लाइक दिस अगेन वन वन टू थ्री स्टॉप स्टॉप ओके डिसलाइक स्टॉप स्टॉप मतलब स्टॉप वहां पे आने वाले को स्टॉप आ गया पुश देन फ्रंट की मतलब साथ में दोनों तरीके से कर सकते हैं। जैसे अटैक वन क्या है ना फेस ऐसा करते नो अगेन पोजीशन रेडी स्टार्ट रेडी वन एल्बो को निकालना है लाइक पोजीशन वन टू थ्री हो वन टू थ्री हो वन ये क्या था टर्निंग वन टू लाइक वन टू थ्री फोर क्या था टर्निंग कैसे लाइक अगेन वन वन ये इधर टर्न आप ऐसे करते हो ऐसा फिर ऐसा करके ऐसा नहीं उसको घुमाना नहीं है लाइक वन टू थ्री
है ना। सेकंड में से वन टू तापे तो उसके शोल्डर पे, शोल्डर के नीचे यहां पे लाइक दिस पोजीशन। अगेन पोजीशन वन अडिक वन टू थ्री फोर फाइव। बेसिक स्टेप में कभी भी याद रखना कि पूरा स्टार्टिंग से सेल्फ डिफेंस या फिर स्टार्टिंग से बहुत सारा प्रैक्टिस, ये जरूरी नहीं होता है। बेसिक बेसिक छोटे छोटे जो स्टेप है उसको पहले ध्यान में रखना है। ब्लॉकिंग, अटैकिंग या फिर डिफेंस करते हुए अटैक, ये छोटे छोटे जो चीजें है, स्टांसेस, हाउ टू स्टैंड, कैसे खड़े रहना है, नहीं तो फिर सामने वाला गिरा देगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो कैसे खड़े रहना है, किस तरह से मूवमेंट होनी चाहिए, वो सारे बातों को ध्यान रखना है। विंग चुन का मेन फोर्स क्या होता है, पंच का लास्ट में निकलने वाला फोर्स, उसके बारे में हमारा वीडियो पहले आ चुका है। लेकिन डबल मूवमेंट फोर्स और ये इसके बारे में कि भाई ये अटैक किस तरह से करना है और इसको कंटिन्यू में कैसे चलाते हैं, इसके बारे में तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाले हैं। लेकिन ये वीडियो खाली डिफेंस के ऊपर था कि आपको दो डिफेंस के बारे में समझाया गया था कि पहला ये डिफेंस है, सेकंड वाला इस तरह से डिफेंस है सामने वाले को, और थर्ड डिफेंस है एल्बो डिफेंस है, डाउन कैसे करना है, इसके बारे में तीन डिफेंस के बारे में समझाया गया था। अभी तीनों डिफेंस का प्रैक्टिस करना, सेकेंड लेसन में हम लोग आगे की ओर चलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं और प्रैक्टिस करते रहना है। नेक्स्ट वीक में हम लोग नेक्स्ट दूसरा वीडियो तैयार करेंगे जिसको हम लोग विंग चुन को डिफेंस विद अटैक में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चलते चलते एक बार लास्ट में लाइक कर लेना। और अगर आपको कुछ भी अलग से जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम लोग उसके लिए आपको सपोर्ट करेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय।